Lecture We will be discussing about the life cycle of uh, Tinea solium, or which is also known as tapeworm. Okay, now the life cycle of tapeworm is um, completed in two hosts, and uh, the life cycle is completed in two hosts. Such a uh, life uh, cycle is uh, termed as diagenetic. Okay? तो ये डायजेनेटिक है क्योंकि इनकी जो लाइफ साइकिल है वो टू होस्ट में कम्प्लीट हो रही है द प्राइमरी होस्ट इज़ द मैन ओके एंड द प्राइमरी होस्ट इज द मैन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द डेफिनेटिव होस्ट इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी होस्ट बिकॉज सेक्शुअल मेचोरिटी इज अटेंड इन दॉडी ऑफ अ मैन ओके नाउ Uh, the pig is considered to be the secondary host okay because here only we see that it is converted into the larval form only and it is not and it is uh, not attained any sexual uh, maturity okay so the sexual maturity is only attained in the and it is on the basis of that the man is given the primary host okay now how this uh, um लाइफ साइकिल टेक्स प्लेस इज फ्रॉम द मेन इंजेशन ऑफ ऑनकोसफियर्स टेक्स प्लेस इन द बॉडी ऑफ द पिग ओके ना इफ़ यू सी अ पिग ओके जब पिग को हम uh, सोचते हैं तो वो कैसी जगह में रहता है वो बहुत वह uh, वो ऐसी जगह में रहता है जहाँ पर ही कम्स इन कॉन्टैक्ट विद वीकल मैटर ओके ना इफ द बॉडी ऑफ द बॉडी ऑफ एनी ह्यूमन ठीक है जो टेप वॉर्म से इन्फेक्टेड है ठीक है जिसके इंटस्टाइन में टेप रह रहा है ठीक है उसके टेप के रहने से उसके जो फीकल मैटर है उनमें उसमें ओंकोस्फियर्स प्रेजेंट आ जा जाते उसमें ओंकोस्फीयर्स आ जाते ठीक है जो प्रोग्लॉटिड्स होती है ना ग्रेविड प्रोग्लॉट्स टेप की ठीक है सबसे पीछे की जो एंड होती है ठीक है वो शेड करती है थ्रू एपोलिसिस और वो ही ओंकोस्फियर्स बनते हैं ठीक है क्योंकि उसमें मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होता है ठीक है और वो एक ओंकोस्फियर्स यानी कि हम कहेंगे अंडे बनाता है ठीक है और थ्रू फीसेस बॉडी के बाहर चले जाता है ये ओंकोस्फियर्स है ना बॉडी के बाहर आ जाता है अब ये जो ओंकोस्फियर है इसकी अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो इट कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियो फोर है ना ये जो एम्ब्रियो फोर और आउटर कैप्स्यूल वॉल ठीक है और अंदर में इनके होती है हेगाकैंथ ठीक है हेक्जाकैंथ में हुक्स प्रेजेंट होते हैं ठीक है ये जो हुक्स हैं अब क्या होता है कि जो ऑंकोस्फियर है जो पिग है इट विल इंजेस्ट दी फीकल मैटर कंटामिनेटेड विद ओंकोस्फियर्स ऑफ टेप ठीक है और ये जो फीकल मैटर है ये किसका था ये ह्यूमन का था ठीक है अब <clears throat> ये जो हैगजा uh, है ठीक है अब ये इसके जो एम्ब्रियोफोर और कैप्सूल वॉल है जब ये ओंकोस्फियर फीकल मैटर के थ्रू पिग के बॉडी में इंजेस्ट होगा पिग इसको खाएगा है ना तो पिग के इंटेस्टाइन में जाकर इसके वायर डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनकी जो कैप्सूल वॉल होती है या एम्ब्रियोफोर होती है वो डिजॉल्व हो जाती है वो खुल जाती है वो बेसिकली uh, डिजेनरेट हम बोलेंगे कि ये घुल जाती है ना आउटर वॉल और इनकी जो हेक्सा होती है दिस इज़ सेट फ्री अब ये हेक्सा फ्री हो जाते हैं ठीक है ठीके? और इनके जो हुक्स हैं ठीक है ठीके? इनकी जो हुक्स हैं वो बाहर को आ जाती हैं ठीक है हेक्सा कैंथ हेक्सा एक लार्वा है अब क्या होता है कि ये जो हेक्सा है ठीक है जैसे अब पिग ने ये ऑक्कोस्फिर्स फॉलो किया उसके इंटेस्टाइन में गया एम्ब्रियोफोर और एम्ब्रियो वॉल जो कैप्सूल वॉल है वो डिजॉल्व हो गया और ये हेगजाकैंथ सेट वो फ्री हो गए अब ये जो हुक्स होती है ना हेक्सा की दे बोर द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन ऑफ द पिग बॉडी राइट पिग की बॉडी में जो इंटेस्टाइनल म्यूकोजा होता है ठीक है ये जो हैगजाकैंथ है वो जैसे हेगजाकैंथ के जो ये हुक्स है ना ये इंटेस्टाइन के वॉल को बोर कर देगी है ना ऐसे मतलब छेद मतलब हम बोर बोलते हैं ना बोर द वॉल जैसे जैसे जो अगर हमको दीवार में छेद करना होता है है ना तो उसी तरीके से ये जो हुक्स की मदद से जो हैक्स का है वो इंटेस्टाइनल वॉल ऑफ पिग है ना उसको बोर करके इंटेस्टाइन के वॉल में से बाहर आ जाती है ठीक है अब जैसे ही इंटस्टाइन के वॉल को बोर करेगी वो एंटर करेगी ब्लड वेसल्स में ठीक है ब्लड वेसल्स में आ जाएंगी और जिसको हम बोलेंगे लिम्फ वेसल्स है ना अभी जो ऑंकोसफ्य होती है ये जैसे जैसे कैरीड करती जाती है वायर जो ब्लड वेसल्स है ना ब्लड वेसल्स में ये एग सेकेंड घूमती जाती है उसी में ही ये ब्लड प्लाज्मा को चूसती रहती है है ना ब्लड प्लाज्मा अपने अंदर भरती जाती है तो इसको फ्लूड फिल्ड कैविटी बोलेंगे इसमें ब्लड प्लाज्मा है ब्लड प्लाज्मा ऑफ पिग्स बॉडी है ना अब उसी में ही इनका इन inv इन्वेजिनेशन हो जाता है ठीक है जो ब्लैडर फॉर्म का जो ऊपर हिस्सा है उसमें थोड़ी इन्वेजिनेशन आ जाती है यानी कि जो जो ऊपर सरफेस होता है ना वो अंदर की तरफ को आ जाता है ठीक है जैसे ये स्ट्रक्चर है ये अंदर की तरफ को आ जाएगा ये अंदर की तरफ को आ जाएगा इसका इमेजिनेशन होगा ठीक है बाहर की लेयर को हम बोल रहे हैं क्यूटिकल और ये जो मीजन काइम लेयर है ये है ये जो टॉर्टेड में मैंने दिखाया है ठीक है जैसे ही जैसे ये हेक्सा ब्लड स्ट्रीम में पहुँचता है ना तो यहाँ पर ये हेक्सा लार्वा से सिस्टी सर्कस लार्वा बन जाता है अर्ली सिस्टी सर्कस फॉर्मेशन हो जाती है ब्लड प्लाज्मा में मतलब ब्लड स्ट्रीम में है ना अब ये जो ब्लड स्ट्रीम है यहाँ पर जैसे ये लेट सिस्टी सर्कस है ना यहाँ पे इन्वेजिनेशन ऑफ ब्लैडर फॉर्म हो चुका है है ना जो ये इन्वेजिनेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है ठीक है जो इन्वेजिनेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है राइट ये जो इन्वेजिनेशन है वो यहाँ पे ऐसे ब्लैडर जैसा फॉर्म कर रही है ये है लेट सिस्टी सर्कस ओके जो अब देखो ये जो हैगजा होती हैं ठीक है थीके? ये हेक्सा जो ब्लड प्लाज्मा या, मतलब इन्जेस्ट करके ठीक है जो आ, मतलब स्ट्रेटेड मसल्स में जाके ठीक है ये अटक जाती है क्योंकि इनका जो साइज़ होता है ना जैसे ही ब्लड प्लाज्मा लेती जाती है अपनी बॉडी के अंदर है ना एक यहाँ पे फ्लूड फिल्ड कैविटी जैसे भरते जाता है तो इसका साइज़ इंक्रीज़ होते जाता है ना इसका साइज और ये ऐसे में पहुँच जाता है जहाँ ब्लड स्ट्रीम में जहाँ पर ये स्ट्रेटेड मसल्स पिग के स्ट्रेटेड मसल्स में अटक जाता है ठीक है वहाँ पे जब ये अटक जाता है वहीं पर ही अपना लार्वल स्टेज कंप्लीट करता है ठीक है ये लेट सिस्टी सर्कस से इन्फेक्टिव सिस्टिसर्कस में, में बन जाता है ठीक है इन्फेक्टिव सिस्टी सर्कस में बन जाता है ठीक है पिग के स्ट्रेटेड मसल्स में कैसे क्योंकि जो ब्लड स्ट्रीम होती है क्योंकि वो बहुत मतलब क्योंकि ये इतना ब्लड प्लाज्मा इन्जेस्ट कर रही है इतना ब्लड प्लाज्मा ले रही है अपने अंदर भर रही है उसकी वजह से इसका जो साइज़ होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है ठीक है इन्वेजिनेशन यहाँ पर इन्वेजिनेशन हो जाती है ठीक है जैसे इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है ये फंस जाएगा है ना ब्लड स्ट्रीम में और पिक्के स्ट्रेटेड मसल्स में इसकी जो लार्वल स्टेज है वो इन्फेक्टिव स्टेज में बन जाती है ठीक है अब यहाँ पे जो इन्वेजिनेशन ऑफ प्लेटर फॉर्म हुई है उसमें इसका ठीक है हेड फॉर्मेशन हो जाता है उल्टा उल्टा है जो हेड फॉर्मेशन हो है, उसको हम प्रोस्कॉल कहते हैं है ना जो हेड अगर इसकी इन्वर्टिड पोजिशन पे है उसको प्रोस्कॉल बोलते हैं यहाँ पे इसके सकरज हैं है ना और ये है इनके हुक्स हुक फॉर्मेशन हो रही है ये उसका रॉस्टिलम है है ना ठीक है ओके अब जो ये इन्फेक्टिव सिस्टीसर्कस है ये वेट करता है ठीक है इंजेशन थ्रू ह्यूमन बॉडी का अब जब तक कोई ह्यूमन इसको इंजेस्ट नहीं करेगा तब तक ये इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ सिस्टी सर्कस लार्वा एक्टिव रहता है कैसे पता चलता है कि ये लार्वा स्ट्रेटेड मसल्स में प्रेजेंट है पिक की बॉडी में जब पिक की जो बॉडी होती है जो मीट होता है ना पिक का वो मीजली डॉट जैसा दिखता है ठीक है जो पोर्क होता है वो काफ़ी मीजली पोर्क अपील होती है मीज़ल्स एक डिज़ीज़ का नाम है ना तो मीज़ली पोक जैसा अपियोरेंस शो होता है जिसको हम कहेंगे कि वो पिग की बॉडी में जो जो हम कहेंगे ना कि वो आ, वो इन्फेक्ट पोक है बेसिकली ठीक है तो ऐसे इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है ठीक है अब जैसे ही अगर कोई अंडर कुक्ड ठीक है जैसे आ, हम कहेंगे ना कच्चा कच्चा जैसे पिग का जो मीट है कोई खाता है ठीक है अंडर कुकड ओके मीजली पोक उसमें सिस्टी सर्कस लारवा प्रेजेंट है है ना सिस्टी सर्कस लारवा प्रेजेंट है अब ये इवेजिनेट हो जाता है इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन चलो अब ये जो सिस्टी सर्कस लारवा है वो पिग के स्ट्रीटेंड मसल्स में प्रेजेंट था अंडर कुक्ट मीट खाने से ये अब पहुंच गया इंसान के शरीर के अंदर शरीर के अंदर पहुँच इसका जो ये वाला लेयर है ठीक है हम इसको जैसे क्या बोलते हैं जो इंटस्टाइन होती है ना इन इंसानों की वहाँ पर इसका जो यू नो आउटर जो ये लेयर है ये डिज़ोल्व हो जाता है ठीक है और साथ ही साथ इसका जैसे इवेजिनेशन भी इंसान की बॉडी में होता है ठीक है तो ये पार्टली इवेजिनेटेड स्कॉलिक्स इन फॉर्मेशन होगी इन साइड द ह्यूमन बॉडी ओके ना जैसे ही इमेजिनेशन ऑफ प्रोस्कॉलिक्स होती हैं ठीक है और ये इंटस्टाइन की डाइजेस्टिव एंजाइम्स की वजह से इसकी ये वॉल भी डाइजेस्ट हो जाती है ठीक है ये वॉल रिमूव हो जाती है ठीक है और जो शक्कर और हुक्स होती है ना जैसे ये वॉल वो हो जाएगी डिजोल्व ये अब एक्सपोज हो जाएगी इनकी सकर्स ठीक है जैसे इनके सकर्स और हुक्स और ये जो हेड है ना रॉसटिलम uh, ये एक्सपोज हो जाती है ठीक है ये ऐसे यू uh, नो you know, अब यहाँ पर विजिबल है सब कुछ स्कॉलिक्स सकरर्स अभी जो सकर्स है ये सिस्टर सिस्टर्प विध फुली वेजनेटेड स्कॉलिक्स ठीक है अभी जो स्कॉलिक्स है इस टेप वॉम का ये अब इंटस्टाइन वॉल को बोर नहीं करेगा ठीक है अब ये इंटस्टाइन वॉल को इंटस्टाइन वॉल में ठीक है अटैच करने के लिए सकर्स को इंटस्टाइन वॉल में घुसा देगा ठीक है इसके सकर्स इंटस्टाइन वॉल के अंदर होंगे मतलब जो इसका सर है वो इंटस्टाइन वॉल के अंदर होता है फॉर क्यों होता है ताकि वो यू नो you know, जैसे हमारा जो फीस होता है वो पेरिस्टाइल से बाहर को जाता है, है ना तो उससे बाहर ना जाए इसीलिए इसका जो सर है वो फॉर अटैचमेंट इंटस्टाइनल वॉल में अटैच कर लेता है ख़ुद को ठीक है वो अटैचमेंट के लिए होता है वो अब कुछ भी शक मतलब है ना जैसे हम बोलेंगे फूड तो फूड को ये नहीं लेता है ये सिर्फ अटैचमेंट के लिए होता है जैसे यहाँ पे हमको अर्ली सिस्टर सर्कस में था कि ये यू नो ब्लड प्लाज्मा को ले रहा है ठीक है सक कर रहा है अलॉन्ग विद इट्स हुक्स राइट सक कर रहा है लेकिन यहाँ पर वो सक नहीं करता है ठीक है यहाँ पर ये यह जो सर है इसका ये बेसिकली इज मेंट फॉर अटैचमेंट ओके अब न जो ब्लैडर है सिस्टे सर्कस का यंग टेप फॉर्म में फॉर्म होगा ठीक है और इसका जो ये ब्लैडर जैसा स्ट्रक्चर uh, है वो कट आउट हो जाता है कट ऑफ हो जाता है और वो एक यंग टेप वॉम में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है अभी जो यंग टेप वॉम है ठीक है अब इस यंग टेप में धीरे धीरे ये बड़ा होता जाएगा ठीक है और अब यहाँ पे प्रॉपर टेप ठीक है अब ये टेप जो इंटेस्टाइन वॉल के वहाँ पे अटैच कर चुका है अपना सर राइट ये इसका रोस्टेलम है ये उसके हुक्स सकर सब कुछ इसका बहुत सब कुछ इसका फॉर्मेशन हो चुका है ये इसका नेक है नेक से बडिंग होती है ठीक है प्रोग्लॉट्स का और हम इसको कहते हैं स्टॉबलाइजेशन राइट स्टॉबलाइजेशन और जो प्रोग्लॉटिट्स हैं जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे ठीक है फिर इनके जो प्रोग्लॉटिट्स जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे ग्रेविट प्रोग्लॉटिट्स शेड करेगा ठीक है और इनके ईच प्रोग्लॉटिड्स में मेल और फीमेल बोथ प्रेजेंट होते हैं ना ठीक है ठीके? और जैसे ही इनके ग्रेविट प्रोग्लॉट से शेड होंगे ठीक है थ्रू स्टोबलाइजेशन थ्रू सॉरी एपोलिसिस स्टॉपलाइजेशन इनके नेक में होती है ना थ्रू तो एपोलिसिस इनके ठीक है फीसिस से ओकोस्फियर्स बाहर आ जाते हैं बॉडी के ठीक है इसीलिए जो मैन का फीसिस होता है उसको सेफ डिस्पोजल करना चाहिए ठीक है अदरवाइज जैसे ही ये पिग क्योंकि पिग लिख रहता ही ऐसा इन्वायरमेंट में है जहाँ पे वो फीकल मैटर के कांटेक्ट में आता है और उसकी वजह से ही ऑंकोसफियर्स पिग की बॉडी में जाता है एंड देन अगेन थ्रू ऑनकर अगर वो पिक की बॉडी में गया इट फॉर्म्स हैग सकेंस एंड अर्ली सर्कस लारवा दें लेट सिस्टे सर्कस इन्फेक्टिव एंड दैन द साइकिल कंटिन्यूज अब ठीक है ये तो हो गया इसका लाइफ साइकिल ये एक एक और ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है ठीक है ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ये स्टेप फॉर्म का लाइफ साइकिल का ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है ठीक है अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो स्टार्ट करते हैं हम स्टेजेस इन दी ओपन से अगर हम स्टार्ट करें ठीक है तो जो ऑंकोसफियर्स होती है फीसिस में वो एंटर करती है पिग के गट में ठीक है स्टेजेस इन द पिग अब ये वाला जो पोर्शन है वो स्टेजेस इन द पिग है स्टेजेस इन दी ओपन है ऑंकोसफियर्स फीसिस में प्रेजेंट है ठीक है अब जो पिग में क्या हो रहा है कि ये गट में जाएगा उसके ठीक है अब इसकी जो गट है ठीक है इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें वहाँ पे हेग्जेंथ फॉर्मेशन होती है जैसे है ना हमने कहा आउटर वॉल डिज़ोल्व हो जाती है जो कैप्स्यूल वॉल है ठीक है और जैसे हेग्जेंथ फ्री हो जाते हैं उसके जो हुक्स की वजह से वो इंटेस्टाइन वॉल को बोर करके ठीक है छेद करके है ना वो ब्लड में पहुंच जाता है हेग्जेंथ जो उसके होते हैं हैंगजेंथ लार्वा ठीक है अब ब्लड में पहुंच के वो ठीक है ब्लड प्लाज्मा सक करते करते उसका जो साइज़ होता है वो बड़ा होते जाता है जिसकी वजह से वो अटक जाता है ना वो लॉज कर दे मतलब इट गेट्स लॉज्ड इन द मसल्स ऑफ द पिंक जिसको स्ट्रेटेड मसल्स कहते हैं ठीक है पिंक स्ट्रेटेड मसल्स में हेगजेंद थोड़ा फंस जाता है वहाँ पे इसका जो लारवा हैगजेंद से सिस्टी सर्कस में बन जाता है, है ना और अब इनकी जो सिस्टिसर्किस लार्वा है वो इनके मसल्स में वेट कर रहा है ठीक है इन्फेक्टिव स्टेज में पहुंच चुका है इनका सिस्टी सर्कस लार्वा अब अगर हम बात करें स्टेजेस इन द ह्यूमन जो सिस्टिसर्कस लार्वा हमारे गट में जाएगा और वहाँ पे इसकी जो प्रोस्कॉलिक्स है वो इवे इवेजिनेट करेगी ठीक है वो प्रोस्कॉलिक्स जो उल्टी स्कॉलिक्स होती है, है ना उसको प्रोस्कॉलिक्स कहते हैं वो अब सीधी हो जाती है ऊपर मतलब सीधी हो जाती है ठीक है और वहाँ का जो यंग टेप है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है अभी जो यंग टेप है ठीक है ये अपने आप को अटैच कर देगा आ, हमारे मतलब ह्यूमन बॉडी के इंटेस्टाइनल वॉल में अटैच कर देगा ठीक है और यहाँ पे एडल्ट टेप हमारे गट में हो जाता है है ना ठीक है ये ग्रो करता जाता है इसका जो फर्टिलाइज्ड ओवा है है ना मेच्योर प्रोग्लॉटिट्स में ये शेड करता है ठीक है फिर कैप्सूल्स इन द ग्रेविट प्रोग्लोटिड्स, फिर उसी से इनकी जो ऑक्कोस्फियर है वो बनती है फिर ये फीस से थ्रू बॉडी ह्यूमन बॉडी बाहर आ जाती है ठीक है और अगर ये फीस पिग के कांटेक्ट में आता है तो उसी से ये साइकिल कंटिन्यू करती है ठीक है अब यहाँ पे अम, अब यहाँ पे जो अम, यहाँ पे जो ऑंकोसफियर्स और ग्रेविट प्रोग्लॉट्स हैं ठीक है जैसे ये मतलब आ, पिग की जो बॉडी होती है ठीक है वो सैप्रोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन उसकी सैप्रोजोइक मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन होती है ठीक है सैप्रोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि जो फूड है जो न्यूट्रिएंट्स है पिग की आ, मतलब पिग की क्या टेप की सॉरी तो जो आ, टेप वॉम न्यूट्रिशन लेता है वो लेता है थ्रू बॉडी सरफेस, बॉडी के सरफेस से न्यूट्रिशन अपने एब्जॉर्ब करता है है ना उसी को सेप्रोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं अब हम इनके पैरासिटिक अडाप्टशन देख लेते हैं ठीक है जो हुक्स होती है ठीक है हुक्स और सकर्स होती है टेपॉर्म के बॉडी में उसका काम होता है फिक्सेशन ठीक है अटैचमेंट ठीक है ताकि वो ताकि वो बच सके ठीक है जब उसको पेरिस पेरिस्टाइलिसिस से जब पुश करेंगे ना बाहर को तो वो बाहर को ना जाए इसलिए उसकी जो सकर्स और हुक्स होती है वो अटैचमेंट या फिक्सेशन में हेल्प करती है ऑर्गेनिज्म को ठीक है अब क्योंकि जो आ, जैसे हम कहते हैं ना कि कोई भी कीड़ा हमारे पेट में नहीं रह सकता मगर टेप फॉर्म रह सकता है क्यों क्योंकि उसकी जो बॉडी है है ना टेप फॉम की वो कुछ यू you नो know, एक स्पेशल मैकेनिज़्म है या अननोन मैकेनिज्म है थ्रू विच इट कैन रेजिस्ट द होस्ट डाइजेस्टिव एंजाइम्स ठीक है वो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स का उसकी बॉडी पर कोई असर नहीं होता है इसलिए वो हमारे बॉडी के अंदर इतने मतलब वो जी पाता है हमारे बॉडी के अंदर ठीक है ना उसके ऑंकोसफियर्स का कुछ फ़र्क पड़ता है ना उसके लार्वा को कुछ कुछ फ़र्क नहीं पड़ता हमारे गैस्ट्रिक जूसेस से ठीक है इवन एच भी कुछ नहीं कर सकता तो कुछ अन नोन है उसकी बॉडी में जो उसको इस अडाप्टशन में प्रोवाइड करती है ठीक है uh, ताकि वो हमारे डाइजेस्टिव uh, एंजाइम्स को रेजिस्ट कर सके होस्ट के डाइजेस्टिव एंजाइम्स को अब यहाँ पे जो एलिमेंट्री कैनाल है वो एबसेंट होती है कैसे क्योंकि यहाँ पे जो जो टिग्यूमेंट बोलते हैं ना हम उसके जो बॉडी का जो सरफेस है ना उसको टेग्यूमेंट कहते हैं यहीं पे इसकी जो न्यूट्रिएंट्स होती है और या तो डाइजेस्टेड फूड होता है वो एब्ज़ॉर्ब करता है ठीक है फ्रीली परमिएबल है जो फ्रीली परमिएबल इसका बॉडी सर्फेस है टेग्यूमेंट फ्रीली परमिएबल है उसी से ही न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होती है बॉडी में ठीक है और जो एलिमेंट्री कनाल है उसका कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे कोई डाइजेशन इंटरनल नहीं हो रही है ये डाइजेस्टिव मतलब डाइजेस्टेड फूड के बीच में ही रह रहा है ठीक है तो इसको कोई एलिमेंट्री कैनाल की ज़रूरत नहीं है पावर ऑफ एन एरोबिक रेस्परेशन क्योंकि ये इतने यू नो कंजस्टेड या हम बोलेंगे बहुत मतलब जहाँ पे र, आ, मतलब ऑक्सीजन की कमी होती है ना हमारे इंटेस्टाइन में थोड़ी ना खुली जगह है तो वहाँ पे एन एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ठीक है इनके पास मतलब इनकी जो आ, मतलब बॉडी है उसमें देर इज़ पावर ऑफ एन एरोबिक रेस्पिरेशन जो उसको ऑक्सीजन डेफिशेंट इंटेस्टाइनल कॉन्टेंट्स में रहने के काबिल बनाता है ठीक है लॉन्ग फ्लैटन बॉडी ठीक है लॉन्ग फ्लैटन बॉडी प्रोवाइड करती है लार्जर सर्विस एरिया के लिए फॉर सैप्रोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैंने डिस्कस किया है सेप्रोजोइ मोड ऑफ न्यूट्रिशन ठीक है बॉडी सर्फेस से ही इसका न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होता है उसी को ही कहेंगे हम सैप्रोजोइ मोड ऑफ न्यूट्रिशन ठीक है अब यहाँ पर जो सेंस ऑर्गन्स है उसका कोई काम नहीं है, है ना क्योंकि उसको शेल्टर्ड हैबिटेट मिल रहा है हमारे इंटस्टाइन में तो देर इज एबसेंस ऑफ एनी सेंस ऑर्गन इन टेप वॉर्म अब यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन uh, पावर है ठीक है इनकी बहुत ज़्यादा है ठीक है इनकी क्योंकि ये इंश्योर करती है कि इसकी जो एम्ब्रियज़ है या इसकी जो स्पीशीज है वो रहे मतलब वो uh, बढ़ती रहे ठीक okay? तो है फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ देयर रेस ओके तो काफ़ी होते आधी की मतलब पिग में होती है ठीक है कुछ आ, पिग में ट्रांसफ़र करें ताकि इसकी जो रेस है वो कंटिन्यू रहे तो इनकी जो पावर ऑफ रिप्रोडक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होती है ठीक है और टेप वॉर्म की एक और लास्ट आ, इनकी अडाप्टेटिव मतलब पैरासिटिक अडाप्टेशन की बात करेंगे तो इनकी सर आ, क्योंकि ये मोर देन थर्टी ईयर्स सर्वाइव कर सकते हैं किसी के बॉडी में ठीक है और ये ईयरली ठीक है हर साल एवरी ईयर वो दो हज़ार पाँच सौ ग्राविड प्रोग्लाटिड्स शेड करते हैं ठीक है और जहाँ पर थर्टी थाउजेंड टू फोर्टी थाउजेंड ओंकोसफियर्स होती है इन ईच ऑफ दोज ग्राविड प्रोगलाट्स ओके अब अगर हम इनकी इफ़ेक्ट ऑफ पैथोजेनेसटी ठीक है इफेक्ट ऑन द होस्ट अब दो डिजीज़ होती हैं ठीक है एक होता है टीनियस एक होता है सिस्टिसकोस टीनियसिस तो तब होता है ये ये दो जो डिजीज um, है ठीक है अब जो सरकोसिस डिजीज़ होती है इट इज़ नोन टू बी वेरी एक्यूट या सिवियर या हम बोलेंगे डेंजरस ठीक है टीनियसिस होता है जब टेप हमारी मतलब जो टेप वॉर्म का जो लार्वा है ना सिस्टेसर्कस लार्वा जो हमको के आ, मीट से मतलब उसके जो मीजली पोक से हमारे बॉडी में जब इन्जस्ट हम करते हैं तो हमारी बॉडी में जो टेप डेवलपमेंट डिवेलपमेंट होती है इंटरस्टैंड में उसी को टीनेसिस बोलते हैं बस कुछ नहीं होता है इससे मतलब ये उतना मतलब स्ट्रोंग अपना असर नहीं दिखाता जैसे हाँ अगर कोई टेप से इन मतलब एलर्जिक है डेप के कुछ एंजाइम से जो वो क्रिएट करता है उसे एलर्जिक है तो उनको थोड़ी वॉमिटिंग होती है उनको सिम्टम्स आते हैं अदरवाइज नॉर्मल जो है उसको टीवीस डिज़ीज से उतना फ़र्क नहीं पड़ता है पर ये एक डिज़ीज़ है जिसको ट्रीट करना इम्पॉर्टेंट है मगर सबसे डेंजरस डिज़ीज़ होता है सरकॉस ठीक है यहाँ पर क्या होता है जब ह्यूमन बॉडी ओंकुस्यर्स को ही इन्जस्ट कर देता है ठीक है अब क्या होता है कि जब हम वॉश नहीं करते अपने हैंड्स अच्छे से क्लीन नहीं करते नेल्स को कट नहीं करते हैं ना कुछ लोग नेल्स ग्रो करते हैं तो वो जो नेल्स होती है जब जैसे हम किसी इलाके में मिट्टी या ऐसा कुछ वहाँ पर जहाँ पर जो ऑंकुस्र्स है वो प्रेजेंट ओंकुस् बहुत छोटे होते हैं मतलब दिखेंगे गए नहीं इतने छोटे होते हैं ठीक है और बाय चांस आपने बिना हाथ धोए या यू you नो know, या ऐसा हो सकता है कि आप ऐसे कंटामिनेटेड वाटर कंटामिनेटेड फूड जहाँ पे ओंकोसफियर्स प्रेजेंट है ह्यूमन फीसिस में है ना कोई इन्फेक्टेड ह्यूमन ह्यूमन था जिसके फीसिस में ओंकोस्फेयर्स प्रेजेंट थे ठीक है तो उन ऑंकोस्फियर्स से उन्होंने uh, कोई वाटर सोर्स को कंटामिनेट कर दिया है ठीक है अब कोई अगर हम जो ऑंकोस्फियर्स है उसको इंजेस्ट करेंगे तो क्या होता है हमारी बॉडी में डायरेक्ट उसका जो जो लार्वा लार्वल फॉर्मेशन हो जाएगा कैसे होगा हमने कहा था पिक की बॉडी में जो हैगजा होते हैं वो इंटेस्टाइनल बोर इंटेस्टाइनल वॉल को बोर करके ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है अब अगर हमारे ब्लड स्ट्रीम में ये लार्वा पहुंच जाए तो हमारे आईज़ को डैमेज कर सकता है हमको परमानेंट ब्लाइंडनेस दे सकता है ठीक है हमारे ब्रेन में जाके हमारे ब्रेन को डैमेज कर सकता है तो बहुत सारे इफेक्ट होते हैं सिस्टिसरकोसिस के बहुत डेंजरस ठीक है तो इसी लिए सिस्टी से काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है ठीक है तो ये थे इफ़ेक्ट ऑफ ठीक है ये टेप ऑन दी होस्ट इसको पैथन पैथ पैथोजेनेसिटी बोलते हैं ठीक है टीनियसिस और सिस्टेसरकोस दो डिजीजेस हैं ठीक है ये दो डिजीजेस हैं ओके तो ये था आ, टेप फॉम लाइफ साइकिल ऑफ टेप फॉर्म इन डिटेल हमने डिस्कस किया है लाइफ साइकिल ऑफ टेप ठीक है अगर इसके नोट्स चाहिए तो वो भी चलो इसके आप स्क्रीन ले सकते हो तो ये है कुछ नोट्स ठीक है ईज़ी करने के लिए तो ये ये आप इनके स्क्रीन शॉट ले सकते हैं ठीक है ठीक है पिक इन्फेक्शन उसके बाद सिस्टिस सर्कोसिस सिस्टी सर्कस लार्वा है ये ठीक है इसकी भी आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो फिर ये है ह्यूमन इन्फेक्शन ठीक है इसके भी आप स्क्रीनशॉट जी है इसका स्ट्रॉबलाइजेशन स्ट्रॉबलाई स्ट्रॉबलेशन ओ इट इज स्ट्रॉबलेशन ठीक है और ये तो था इसका पैरासिटिक अडाप्टेशन ठीक है ओके सो दैट इज़ द एंड ऑफ द वीडियो ओके इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ गिव इट थम्स अप ठीक है अगर आपको इससे रिलेटेड कोई टॉपिक में मतलब कुछ समझ नहीं आया तो उसको भी आप कमेंट्स में बोल सकते हैं कि ये पार्ट क्लियर समझ नहीं आया मैं उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी और uh, कोई भी आपको लगता है टॉपिक जो मुझे लग मुझे कवर या मुझे यू you नो know, उसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए उसको भी आप कमेंट्स में लिख सकते हो मैं हर वीडियो को मेरी वीडियो थोड़ी लंबी होती है बिकॉज़ आई इंक्लूड नोट्स एज़ वेल एंड